हैशटैग पावर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाए। महाराष्ट्र में डे बाय डे दिन ब दिन कोरोना की बीमारी बढ़ती जा रही है। गरीब तो गरीब, अमीर जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, हालत ये कि वो लोग तलाश कर रहे हैं अस्पतालों में कहीं जगह मिल जाए, जगह नहीं मिल रही है। जगह नहीं मिलने से, ऑक्सीजन नहीं मिलने से कितने लोगों की का इंतकाल होता जा रहा है। मौत का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कब्रिस्तान में जगह नहीं मिल रही है, शमशान में लाइन लगी हुई है। और उसके बाद हालात यह है कि एक दवा है रेमडेसिविर इंजेक्शन 100 mg, दूसरी दवा है तोसली जुमब इंजेक्शन 400 mg। एक दवा तो 40,000 की है, एक दवा 1200-1500 रुपए की है। और इस दवाओं को ढूंढने के लिए लोग बेकरार हैं, परेशान हैं। बड़े बड़े लोग यहां वहां टेलीफोन करके दवाएं मांगे, दवाएं नहीं मिल रही। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक तरफ म्यूनिसिपल कमिश्नर बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, सरकार बड़े दावे कर रही है कि हमने बहुत सारे इंतजाम कर लिए हैं, दूसरी तरफ जो है अंदर मामला इतना खोखला है कि दवाएं तक नहीं मिल रही है। और अफसोस कि ये दवाएं एक्सपोर्ट हो रही हैं। दिल्ली सरकार या महाराष्ट्र सरकार क्या सो रही है क्या? हमारे मुल्क में लोग मर रहे हैं और यहां से जो है दवाएं एक्सपोर्ट की जा रही है, लोग मर रहे हैं, कोई ध्यान देने वाला नहीं। और उसके ऊपर आज मेरे इलाके में मानकू शिवाजी नगर में एक नौजवान ने सुसाइड कर लिया, और सुसाइड करने की वजह सिर्फ यह थी गरीबी, इलाज के लिए पैसे नहीं, खाने के लिए पैसे नहीं। आज सड़कों पर लोग सब्जी रख करके, मूंगफली चना रख करके बेच करके, 500 रुपए का केला ठेले पर रख करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और वो सब पुलिस मार मार के डंडा भगा रही सबको, कहां से खाएंगे? सरकार नींद में है क्या? मुझे देखकर ये रोना आता है कि आज हालात क्या लोगों के होते जा रहे हैं। लोग अपने सर्व सामान को लेकर स्टेशन में बैठे हुए हैं कि किसी तरह से अपने गांव चले जाएं, नमक रोटी खाएंगे, लेकिन मुंबई में इस तरह से रह करके मरना उन्हें कबूल नहीं है। मैं सरकार से बहुत ही सख्ती के साथ ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको लॉकडाउन लगाना है तो सबसे पहले लोगों को खाने का बंदोबस्त किया जाए, लोगों को जीने के लिए जितनी चीजें जरूरी है, बिजली की बिल माफ की जाए, दवाएं लोगों को मिले, अस्पतालों में जगह मिले, म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन बड़े बड़े जो है बड़े बड़े जाकर के बनाए लोगों को भर्ती करने के लिए, और ऑक्सीजन तक नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन के लोग परेशान हैं। यह हालत हो, सारे काम रुक जाना चाहिए इस वक्त। मोदी जी, अमित शाह, इनके तमाम नेता लोग सिर्फ इसमें लगे हुए हैं कि किसी तरह से महाराष्ट्र की सरकार गिर जाए और किसी तरह से देश में जो 5 इलेक्शन हो रहे हैं वो इलेक्शन चुनकर आ जाए। क्या मजाक है ये सब? जनता चुपचाप बैठी हुई है। मैं जनता से कहना चाहता हूं कि आप इन सरकारों का गिरेबान पकड़िए। ये दवाएं एक्सपोर्ट हो रही हैं और जो इंजेक्शन लगाया जाने वाला है वो यहां कम पड़ रहा है और बाहर भेजा जा रहा है। मैं एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप जरा जमीनी हकीकत को देखिए, उसके बाद कोई कदम उठाइए। हां, प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। मैं जनता से निवेदन करता हूं सख्ती के साथ, मैं महाराष्ट्र सरकार से कहता हूं कि पुलिस कर्मी कारपोरेशन के जो लोग जिम्मेदार हैं, जो लोग चेक करते हैं बाजार में जाकर के, उनसे कहिए कि करप्शन बंद करें और सख्ती के साथ लोगों को मजबूर करें कि सरकार का जो एसओपी है, जो प्रिकॉशंस है, उस प्रिकॉशन पे लोग अमल करें। लेकिन आप पूरा का पूरा 24 घंटे आप अगरचे लॉकडाउन कर देंगे तो याद रखिएगा कि लोग उसको मानने वाले नहीं है, क्योंकि मैं जमीनी हकीकत देख रहा हूं। लोगों के पास खाने के लिए नहीं है और हम ऑफिस में बैठने के लिए भी डरते हैं कि इतने लोग आ रहे हैं मांगने के लिए, खाना नहीं है, राशन नहीं है, हमको दीजिए। कहां से देंगे जब सरकार को देने को तैयार नहीं है? तो मैं बार बार ये निवेदन करता हूं महाराष्ट्र सरकार से, इस बात का ध्यान करके ही आगे कदम उठाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अबू आसिम हाजी।